आदाब, मैं हूं तारिक आजमी और आप देख रहे हैं PNN 24 न्यूज। खबर वही जो हो सही। ईद का त्योहार मुकम्मल हो चुका है। कल ईद की नमाज पढ़ने के लिए संविधान में वर्णित हम भारत के लोग में से 25 करोड़ से ज्यादा की आबादी मस्जिद गई, जहां 2 रकात नमाज ईद उल फित्र की अदा किया। मैं जायद 6 तकबीरों के साथ, उसके बाद अपने असबाबों से गले मिले, पड़ोसियों से गले मिले और अपने अपने आवास पर आकर के व्यंजनों और पकवानों तथा सेवइयों का दौर चला, जो आज भी जारी है। आज के दिन को ईद की बासी का दिन कहते हैं। इस पूरे दरमियान कहीं से भी कोई ऐसा समाचार नहीं है कि किसी धार्मिक स्थल के बाहर विवादास्पद नारे लगे या विवादास्पद बातें हुई। ना अभी है, ना कभी इससे पहले कभी इस तरीके की बातें निकल के सामने आई। हमारे उस वक्त कोई भी ऐसा मसला नहीं है कि हम आपको इस मुतालिक कोई लंबी चौड़ी बातें बताएं। हम सिर्फ कुछ दिखाना चाहते हैं। ये तस्वीरें जो आप हमारे पीछे देख रहे होंगे, ये वाराणसी में निकली हुई एक शोभा यात्रा की है। हर वर्ष जो है विक्रम संवत के प्रथम रात्रि यानी नवरात्र की पूर्व संध्या पर यह शोभा यात्रा निकलती है। शोभा यात्रा में बड़े ही आलीशान तरीके से रथ पे सवार सज्जन नंगी तलवार लेकर के चल रहे थे। गेट नंबर 4 विश्वनाथ कॉरिडोर, जहां से ज्ञानवापी मस्जिद एकदम साफ दिखाई देती है, वहां विवादास्पद नारे लगे। आपको विश्वास नहीं है तो आवाज के सहित ये पूरा वीडियो आप देख लीजिए कि किस तरीके से विवादास्पद नारे लगे। अब आपको बताते चलते हैं कि तलवार लेकर के खड़े हुए सज्जन जो है पुनित हैं। पुनित जी हमारे पूर्व परिचित हैं। पुनित कब पुनित पागल हो गए ये हमको भी नहीं पता। पुनित जी अक्सर चित्रा पे चाय की चुस्की लेते हुए देखे जाते हैं, मगर इस गीत संगीत से इनका बहुत पुराना प्रेम है। हमको नहीं पता था कि कब तलवारों से इनको गीत संगीत के बजाय प्रेम हो गया। पुनित जी का अपना यूट्यूब चैनल है पुनित पागल नाम से। लोग इनको प्यार से पागल बाबा भी कहते हैं। पुनित पागल नाम के यूट्यूब चैनल पे 6,500 सब्सक्राइबर हैं और 550 से ज्यादा वीडियो हैं। आचार संहिता लगने के बाद पड़ा हुआ एक वीडियो खास तौर से हमारी नजर से गुजरा, जिसमें मम्मी का पप्पू फेल हो गया। मगर शायद हो सकता है कि साइबर क्राइम को आचार संहिता इनके ऊपर लागू करने की कोई तवज्जो ना हो। इस तरीके का जुलूस निकला और खुल्लम खुल्ला तलवारें लहराई गई और इस तरीके की विवादास्पद जो है नारे लगे। इस संबंध में वाराणसी के शहर मुक्ति मौलाना बाती नोमानी ने सख्त एतराजात जताए और उन्होंने उम्मीद किया था कि वाराणसी का पुलिस प्रशासन इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करेगा, स्वतः संज्ञान लेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि स्वतः संज्ञान कौन लेगा? क्या ACP दशाश्वमेध? इसी जो है शोभा यात्रा के चंद मिनटों पहले गुदौलिया चौराहे पे एक नौजवान दरोगा को इसी उन्मादी भीड़ ने बीच चौराहे पे बेइज्जत किया, उसका बिल्ला नोचा, उसको मारा। अगर FIR के ऊपर गौर करें तो उसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ, FIR दर्ज हुई। और सबसे बात जो है दिलचस्प बात यह है कि ये समस्त हमला करने वाले जो हमलावर थे, ये हमलावर इस पूरी शोभा यात्रा में चितरंजन पार्क तक गए थे। उससे पहले ये वीडियो वायरल हो चुका था, जनता देख रही थी। और यही हमलावर जो नामजद है, जो कुछ अज्ञात है, ये सभी हमलावर लाइव कर रहे थे, फेसबुक लाइव कर रहे थे, इंस्टाग्राम लाइव कर रहे थे, मगर पुलिस प्रशासन का ध्यान इस तरफ नहीं था। एक दरोगा को इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ मिलने की तर्ज पे एक FIR दर्ज होती है जिसमें 5 नामजद रहते हैं। नामजद में से एक ही आप इनको देख रहे होंगे, ये सज्जन है गप्पू सिंह। गप्पू सिंह के बारे में अगर ज्यादा विस्तृत आपको जानकारी लेनी है तो प्रतिकार यात्रा में इनके जो है योगदान को जो है आप देख सकते हैं। वैसे तो जानकारी के अनुसार
इनके ऊपर से मुकदमे हट चुके हैं, मगर प्रतिकार यात्रा में इनके योगदान को देख सकते हैं। तत्कालीन ये शिवसेना के एक अभिन्न अंग हुआ करते थे। आज की तारीख में एक आलिशान सा बड़ा सा बैनर आज भी गुदौलिया चौराहे पे इनकी शोभा बढ़ा रहा है। नगर निगम की संपत्ति पे लगे हुए इस बैनर को हटाने के लिए क्या एसीपी दशा सुमेध ने कभी तवज्जो नहीं दिया? बिल्कुल नहीं दिया होगा, क्योंकि इसी बैनर के ठीक सामने बनी हुई पुलिस चौकी पे एसीपी दशा सुमेध अक्सर विराजमान रहती है। कम से कम रोज शाम को गंगा आरती के बाद वहां पे बैठती है और वहां की से जो है क्षेत्र का संचालन भी होता है, पैदल गश्त भी करती है। तो ऐसा कैसे यकीन हो सकता है कि इतना बड़ा बीच चौराहे पे लगा हुआ पोस्टर एसीपी साहिबा को ना दिखाई दिया हो? और जान करके और भी अचंभा होगा कि तीन टीमें मिलकर के 19 जगह छापा देती हैं, मगर कोई भी नामजद अभियुक्त पकड़ा नहीं जाता है। इसी दरमियान हमारे सूत्र बताते हैं कि गीता मंदिर में चलने वाला सट्टा अंशु केशरी का और पंकज का सट्टा और राजन का सूरज कुंड में चलने वाले सट्टे का टिकट वापसी करने वाले जो है वो इस मुकदमे में पंजीकृत अभियुक्त में से एक है। शायद हो सकता है पुलिस ने इसके ऊपर भी गौर नहीं किया हो। आज तीन अभियुक्तों ने इसमें से सरेंडर कर दिया, अदालत में जाके आत्मसमर्पण कर दिया। और आप ये देखिए कि पुलिस ने अपनी प्रभावी पैरवी किया, मगर अफसोस कि पुलिस को उनमें से किसी की रिमांड नहीं मिल पाई। इससे पहले भी एक अभियुक्त ने सरेंडर किया था, पुलिस उसको रिमांड लेने की बात कह रही थी, मगर रिमांड से पहले आज मिल रही जानकारी के अनुसार उसको अदालत ने जमानत दे दिया है। इसका मतलब स्थानीय पुलिस ने इस संबंध में कोई प्रभावी पैरवी नहीं की। वो तो गनीमत था कि नामजद अभियुक्तों में से कोई अब्दुल नहीं था। अगर अब्दुल होता तो अब तक पूरा कुनबा उसका थाने पे बैठा रहता और उसको सरेंडर करना पड़ता। मगर अभी तक जिस मिनट में आज ये वीडियो शूट हो रहा है, अभी तक पुलिस के हाथ इस मामले में खाली है। हमारे सूत्र मजबूत हैं कि कमजोर हैं। इसी घटना में एक अज्ञात अभियुक्त का ये आप तस्वीर देख रहे हैं, इसके बारे में थोड़ी सी तफसील हम बता देते हैं, बाकी डिटेल एसीपी साहिबा के सूत्र पता कर लेंगे। काली महल से आगे बढ़ने पे खड़खड़ दाऊ तिराहा पड़ता है। उस तिराहे के पास इनकी तंबाकू के पदार्थों की दुकान है और आलिशान दुकान है, होलसेल का इनका कारोबार है। इसके अलावा भोला मुनक्का वटी, जिसको भांगवटी कहा जाता है, वो प्रतिबंधित है। इसको आयुर्वेद विभाग में खुद कहा है कि इसकी बिक्री और सेवन दोनों प्रतिबंधित है, उसके ये होलसेलर है। अब इस फोटो को आप देख रहे हैं और इस फोटो से ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं, बाकी नाम पुलिस के अपने सूत्र बता देंगे। वैसे मिल रही जानकारी के अनुसार अजय सिंह के ऊपर एक FIR दर्ज करने की और तैयारी पुलिस कर रही है, मगर पुलिस की सारी तैयारियों के बीच में एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि उस 2019 बैच के नौजवान दरोगा का मनोबल इस वक्त कितना कमजोर होगा कि एक भी अभियुक्त की पुलिस ने गिरफ्तारी नहीं की। गिरफ्तारी आज भी नहीं हुई है और तीन अभियुक्तों ने कोर्ट में आज सरेंडर कर दिया है शुक्रवार के दिन, और एक अभियुक्त पहले सरेंडर कर चुका है जिसकी आज शुक्रवार को जमानत हो चुकी है। तो इस पूरे घटनाक्रम में जो 12 से 15 अज्ञात अभियुक्त हैं, उनकी क्या स्थिति है अभी, ये तो पुलिस ही बता सकती है। वैसे एसीपी साहिबा को चरण चुंबक और पादुका पूजक पत्रकार शायद पसंद होंगे, हमारे सवालों से वो परहेज करती हैं। हमने भी इस संबंध में उनसे सवाल पूछने के लिए जब फोन किया तो उन्होंने बताया कि इस मामले में जानकारी तो थाना दे सकता है और थानेदार साहब को मिला हुआ CUG नंबर शायद वो उठाते नहीं है या उठाना नहीं चाहते हैं। बहरहाल साहब, आम नागरिकों की सुरक्षा कितने सुरक्षित है, ये लहराती हुई तलवार आपको दिखा रही है। इस तलवार को लहराने के लिए क्या पुनीत बाबा से कोई भी पूछताछ स्थानीय पुलिस ने की है या नहीं की है, इसकी जानकारी हमको तो नहीं है। अगर आपको होगी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पुनीत बाबा का आप जो है पुनीत पागल नाम से YouTube पे वीडियो सर्च कर सकते हैं। YouTube के नियमावली के अनुसार हम उस वीडियो का लिंक इसमें नहीं डाल सकते हैं, आप स्वयं पुनीत पागल नाम से उनका YouTube वीडियो सर्च कर सकते हैं और उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। बहरहाल साहब, शहर में अमनो सुकून कायम है और इस अमनो सुकून के लिए हम दुआ करते हैं और अल्लाह के बारगाह में इल्तिजा करते हैं कि हमारे तमाम पारदर्शक और हमारे तमाम जो है चाहने वाले, उनको अल्लाह तमाम खुशियां दे, हमारे मुल्क में अमनो सुकून कायम रहे और हमारा मुल्क तरक्की करे। ऐसे लोगों को, नफरत फैलाने वालों को अल्लाह सदबुद्धि दे, हम इसकी भी दुआएं करते हैं। मैं तारिक आजमी, अल्लाह हाफिज़।